Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, today I'm gonna create this back to school dewy makeup look. सबसे पहले मैं अपने ब्रोज को शेप दे लूँगी इस ब्रो पेंसिल से जो कि एसेंस की है. मैं अपनी ब्रोज को आज बहुत ही नेचुरल लुक दूँगी ताकि ये बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, इसलिए मैं जेल भी नहीं यूज़ कर रही और मैं ये ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जस्ट टू कीप इट नेचुरल, बिकॉज मुझे एक नेचुरल सा लुक चाहिए अपनी ब्रोज को. ब्रोज एक बहुत ही मेन पॉइंट है आपकी पूरे मेकअप में जो कि आपकी मेकअप लुक को सेटल करता है. उसके बाद मैं फिट मी मेबिलिन का कंसीलर लूँगी और अपने ब्रोज के अराउंड लगा लूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी ताकि मेरी ब्रोज को एक अच्छी सी क्लीन शेप मिल जाए. उसके बाद मैं अपने एक रियल टेक्निक के ब्रश से इस कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी अपने आईलिड पे और अपने अराउंड दे अपनी आईब्रोज ताकि ये अच्छे से सेटल हो जाए मेरी आईलिड पे, जो कि एक बहुत सी नेचुरल लुक देगा. मैं आज कोई भी आई मेकअप नहीं अप्लाई करी, जस्ट लाइनर अप्लाई करूँगी और आईलैशेस अप्लाई करूँगी जस्ट टू कीप इट नेचुरल मेकअप लुक. उसके बाद मैं ऑयल यूज़ करी हूँ वेट एंड वाइल्ड का, दिस इज़ अ रोज़ ऑयल. ये बहुत ही नाइस ऑयल है, आप इसको अपने फेस पे विदाउट मेकअप अप्लाइंग भी लगा सकते हैं जस्ट टू कीप इट मॉइस्चराइज. ये आपकी स्किन को एक बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सा इफ़ेक्ट देता है ताकि आपका मेकअप जो है वो ज़्यादा स्वेटी ना हो और ज़्यादा आपका मेकअप ड्राई ना हो. और ये ऑयल आप दिन में दो मर्तबा यूज़ कर सकते हैं, सुबह और शाम. एक बार आप सोने से पहले अगर ये ऑयल यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहेगी. इन द डेली रूटीन आई यूज़ दिस ऑयल एंड इट्स बेस्ट ऑयल आई एवर यूज़. उसके बाद मैं मेबिलिन का फिट मी कंसीलर लगाऊंगी 120 शेड में. ये शेड मुझे बहुत ही सूट किया था, तो जिनकी स्किन मेरे शेड की है वो ये ही फाउंडेशन यूज़ करें ताकि उनका शेड डिफरेंट ना हो. वो फाउंडेशन ये यूज़ कर सकते हैं जिनका शेड बिल्कुल मेरे टोन स्किन टोन जैसा है. उसके बाद मैं इस फाउंडेशन को अपने पूरे फेस पे अपनी नेक पे अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से. ये फाउंडेशन ज़्यादा फुल कवरेज नहीं है, इसलिए आप अपने नेचुरल लुक्स के लिए अपने डेली यूज़ के लिए इस फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हैं. जिन लोगों को एक नेचुरल लुक चाहिए होता है, जिन लोगों को ज़्यादा फुल कवरेज ज़्यादा पार्टी मेकअप टाइप लुक नहीं चाहिए होता, वो ये फाउंडेशन यूज़ करें और इट्स अ बेस्ट फाउंडेशन इन द ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स. उसके बाद मैं अपने फेस पे मेबिलिन का ही फिट मी का ही कंसीलर लगाऊंगी ऑन माय फाउंडेशन ऑन दी एरियाज जस्ट टू हाईलाइट माय फेस, अपने अंडर आईज, अपनी नोज़ और अपनी चिन पे, जहाँ जहाँ मुझे इस कंसीलर की ज़रूरत है जस्ट टू हाईलाइट माय फेस. मेरा स्किन टोन का जो फाउंडेशन है वो थोड़ा डार्क है और मैं जो कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ वो थोड़ा लाइट कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि एक हाईलाइटिंग फेस को मेरे फेस को एक हाईलाइटिंग लुक मिले. उसके बाद मैं अपने इस कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी जहाँ जहाँ मैंने ये कंसीलर लगाया होगा. मेक श्योर यू हैव टू ब्लेंड इट सो नाइसली दैट इट विल नॉट गिव एनी क्रीजेस ऑन योर फेस. देन आई विल अप्लाई द मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना लूज पाउडर ऑन दी एरियाज आई हैव जस्ट अप्लाइड माई कंसीलर. मैं इस पाउडर को लेके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी और इसको अब वहीं पे रहने दूँगी बिकॉज आई हैव टू जस्ट रिमूव इट आफ्टर माई कंटोरिंग. उसके बाद मैं एल्फ का एक कंटोर पैलेट लूँगी जिसमें से एक ब्रॉन्जर शेड को लेकर मैं अपने चीक्स एरिया पे अप्लाई करूँगी. मैं उन एरियाज़ पे अपने कंटोरिंग प्रोडक्ट को अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है और जहाँ जहाँ मैं चाहती हूँ कि एक नाइस सी शेप मिल जाए. आप इस प्रोडक्ट को नाइसली अपने एरियाज़ पे अप्लाई करें और अच्छी तरह से ब्लेंड करें, बिकॉज अगर आप अच्छी तरह से अपने कंटोरिंग प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये बहुत ही हार्श लाइंस आपके फेस पे दे जाएगा और एक मेकअप लुक को ख़राब कर सकता है. सो यू जस्ट हैव टू ब्लेंड इट सो नाइसली ऑन योर फेस. आई विल जस्ट अप्लाई दिस प्रोडक्ट ऑल्सो ऑन माई फोरहेड और अंडर माई चीक बोन्स. मैं अपने फेस को बहुत ही नाइस सा एक लुक दे रही हूँ इस कंटोरिंग प्रोडक्ट से. उसके बाद मैं अपने नोज़ को सेम ब्रॉन्जिंग शेड से कंटोर कर लूँगी और मैं अपने प्रोडक्ट को अपनी
आई से स्टार्ट होकर अपने नोज़ के एंड तक लगाऊंगी ताकि मेरे नोज़ को एक बहुत ही नाइस सी हार्श लाइन मिले. लेकिन यू हैव टू ब्लेंड दिस हार्श लाइन, यू नो, ताकि आपका फेस एक नाइसली ब्लेंडेड मेकअप लुक लगे. उसके बाद मैं ओ माई ब्लश यूज़ करूँगी बाय ब्यूटीफाई बाय आमना. दिस ब्लश इज़ रियली सो नाइस. आई हैव जस्ट इन लव विद दिस ब्लश पैलेट, यू नो, बिकॉज दिस शेड्स आर रियली ब्यूटिफुल. ये आपके फेस पे बहुत ही नाइसली ब्लेंड हो जाता है, कोई हार्श लुक नहीं देता आपके फेस पे. मैंने बहुत से ब्लश ऐसे देखे हैं जो एक नाइसली ब्लेंड नहीं होते और जहाँ आपने वो अप्लाई किया होता है और वहीं पे वो रह जाते हैं, इंस्टेंट लुक वो नहीं देते अपने आपके ब्लश एरियाज़ पे. तो मैं ये अपना ब्लश लेके अपने चीक बोन्स पे अप्लाई करूँगी, चीक्स पे अप्लाई करूँगी. उसके बाद मैं एसेंस का पेंसिल लाइनर ले रही हूँ जस्ट टू हैव अ लुक नेचुरल. मैं आज कोई आई मेकअप नहीं कर रही बिकॉज़ जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे एक नेचुरल लुक चाहिए बिकॉज़ इट्स अ बैक टू स्कूल ड्यू मेकअप लुक और इट्स शुड बी अ नेचुरल मेकअप लुक. तो आप इस नेचुरल लुक में अपने आई मेकअप को स्किप कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू अप्लाई द कंसीलर ऑन योर आईलिड एंड जस्ट सेट इट विद द पाउडर. तो उसके बाद आप अपना आई लाइनर अप्लाई करेंगे. मैं अपना आई लाइनर एक बहुत ही नाइसली लाइन बना के अप्लाई करूँगी. मैं कोई भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगा रही आईलाइनर, मुझे थिक आईलाइनर नहीं चाहिए. सो मैं बहुत ही नाइसली एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी अपने आईलाइनर एरिया पे. उसके बाद मैं ये मैक्स फैक्टर का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ. ये बहुत ही लाइट मस्कारा है, इट्स नॉट अ वॉल्यूमाइज्ड मस्कारा. मैं ये मस्कारा तब यूज़ करती हूँ जब मुझे अपनी आई लैशेज लगानी होती हैं. अगर आप अपनी आई लैशेज नहीं अप्लाई करने वाले और आप एक बिल्कुल ही नेचुरल लुक करने वाले हैं विदाउट योर आई लैशेज, देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई द वॉल्यूमाइज्ड मस्कारा. एज ऑल वी नो, मार्केट में बहुत सारे मस्कारा अवेलेबल हैं. हर एक का टेक्सचर डिफरेंट है, हर एक का स्टाइल डिफरेंट है. सो आप अपने आई लैशेज़ के हिसाब से अपना मस्कारा ख़रीदें. इट्स रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग. बहुत सी लड़कियों को ये चीज़ नहीं पता कि मस्कारा भी आपकी आई लैशेज़ के मुताबिक आपको ख़रीदना चाहिए. जैसे आप अपने फाउंडेशन को मैच करते हैं, वैसे आप अपनी आई लैशेज़ के लिए अपना मस्कारा भी मैच ज़रूर कीजिए. उसके बाद मैं बेबी डॉल की ये आई लैशेज अप्लाई करने वाली हूँ. तो गाइज़, यहाँ पे मेरा आई लुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया. उसके बाद मैं मिडोरा की ये लिपस्टिक लूँगी. इट्स रियली अ ड्रग स्टोर लिपस्टिक, यू नो. आपको ये लिपस्टिक किसी भी शॉप से, किसी भी मॉल से मिल जाएगी. इट्स अ रियली रियली चीप लिपस्टिक यू कैन एवर यूज़ एंड इट्स रियली गुड लिपस्टिक. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो चीप तो हैं लेकिन अच्छी बिल्कुल नहीं है. सॉरी फॉर द स्नीजिंग, क्योंकि मैं ये एडिटिंग के दौरान ये कट करना बिल्कुल भूल गई. अगेन सॉरी फॉर दैट. उसके बाद मैं अपनी ये लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे और मैं ये स्लीक मेकअप का हाइलाइटिंग पैलेट लेके गोल्डन शेड और क्रीमी शेड को लेके अपने हाइलाइटिंग एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी. ये पैलेट बहुत ही नाइस है, अफोर्डेबल है. जो लोग हाई एंड ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स नहीं ख़रीद सकते या ख़रीदना नहीं चाहते, वो लोग हाइलाइटिंग के लिए ये पैलेट यूज़ कर सकते हैं. एंड इट्स अ बेस्ट हाइलाइटर आई एवर यूज्ड. इसके बाद ब्यूटीफाई बाय आमना का हाइलाइटर पैलेट भी बहुत नाइस है. मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं किया बट मैंने जितने रिव्यूज़ सुने हैं, मैंने जितने उसके स्वैचेस देखे हैं, आई रियली लाइक्ड दैट. सो गाइज, दिस इज़ अ कम्प्लीट लुक. अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम पेज को लाइक करना ना भूलिएगा. इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.